अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ही बेसिक जो बेकरी स्टाइल का वनीला केक होता है उसकी रेसिपी। और बेकिंग की मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, कब से आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आज से स्टार्ट कर दूँ बेकिंग की रेसिपीज़। और बेकिंग जो है उसके लिए मैं आपको ये बताऊँ कि बेकिंग के लिए कुछ चीज़ें आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो स्केल है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर आपको कप्स में उसकी मेजरमेंट बताऊंगी ना, तो कप्स में ये होता है कि जो चीनी होती है उसकी अलग आती है, बटर की अलग आती है, मैदे की अलग आती है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको शौक़ है बेकिंग करने का तो आप प्लीज़ थोड़े से ख़र्चा कर लें। इतना ज़्यादा महंगा नहीं आता, 600 से 800, 1000 इतना आपका आ जाता है, तो इस रेंज में आपको इजीली मिल जाएगा। आप कोशिश करें कि अगर आप बेकिंग का आपको शौक़ है तो कुछ चीज़ें आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप ले लें। थोड़ा सा इसका ख़र्चा है लेकिन बहुत सालों साल चलता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी की पूरी चीज़ें उनकी मेजरमेंट दे दूँगी, स्टार्टिंग में जो है वो भी चला दूँगी, ताकि जितनी रेसिपी है साइट पर मैं शो कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने जो है वो स्केल पे अपना जो मैदा है 125 ग्राम्स लिया है, उसके साथ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है तकरीबन 5 ग्राम्स ही लिया है। और अब मैं इसके बाद जो पीसी हुई चीनी है उसको मैं यहाँ पे मैयर कर रही हूँ। टी केक में जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चीनी, मैदा और उसके साथ जो बटर होता है वो आपने सेम ही क्वांटिटी में लेना होता है। और मैं आपको छोटे मतलब थोड़ी क्वांटिटी में बता रही हूँ छोटे केक का, ताकि आप एक बार बना के देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर इंशाल्लाह आप इसको डबल करके बना सकते हैं। अच्छा, चीज़ों को मैं मैयर सारा सबसे पहले कर रही हूँ ताकि ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर हो जाए। बटर जो है ये बिल्कुल ही होममेड है, मैं वाइट बटर ख़ुद बनाती हूँ, कोई नमकीन नहीं है, कोई और नहीं है। घर में जो मैं बनाती हूँ फ्रेश बटर मैं हमेशा बेकिंग में मोस्टली कोशिश करती हूँ वही यूज़ करती हूँ। ये भी मैं ले रही हूँ 125 ग्राम्स। और चीनी का एक मैं साथ साथ आपको ना एक चीज़ बता दूँ, बेकिंग बहुत इजी है, सिर्फ आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करनी होती हैं। अब चीनी का मैं आपको ये बता दूँ, चीनी जो है वो आपने पीस के घर में ही थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा कर देना है, और जो बटर है उसको भी आपने रूम टेम्परेचर पर करके और फिर यूज़ करना है। और जो अंडे हैं, अंडों का आपने ये करना है, अगर आप बटर केक बना रहे हैं तो फिर आपने थोड़ी देर फ्रिज में रख लेना है, क्योंकि बटर जो है वो ऑलरेडी जब ये हम बीट करते जाते हैं ना तो फिर ये मेल्ट होने लग जाता है और थोड़ा सा इसका टेक्सचर और प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अगर आप मक्खन के साथ बना रहे हैं बटर के साथ, तो आप ठंडे थोड़े से अंडे यूज़ करेंगे। अगर ऑयल के साथ आप बना रहे हैं ना, फिर उसके बाद उसके साथ कोई इतना इशू नहीं है, आप नॉर्मल कर सकते हैं यूज़। तो मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि मैंने चीनी और उसके साथ जो बटर है उनको मैं अच्छी तरह से बीटर से मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कलाई का रिस्ट का इशू है, तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बीटर से ही इसको करूँ। और एग्स जो हैं वो मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिए थे, थोड़े से ठंडे कर लिए थे मैंने, क्योंकि बटर जो है अगर ऑलरेडी वो रूम टेम्परेचर पे होता है, और अगर हम एग्स भी थोड़े से नॉर्मल डालें और बीट करते हुए हीट थोड़ी सी प्रोड्यूस होती है तो बिल्कुल ही पिघल के ना और ऑयल बनने लग जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स हैं, आप प्लीज़ इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपका केक भी बहुत ही अच्छा बनेगा। साथ साथ मैं स्पैचुला लेके और साइड्स भी इसकी जो है वो इस तरह से क्लीन करती जा रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और बीटर का आप देख रहे हैं मैं 2 पे 3 पे फुल पे बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल पे मैं रख के और इसको बीट कर रही हूँ। अच्छी तरह बीट करना है ताकि बिल्कुल ही क्रीमी सा टेक्सचर बन जाए। और स्पैचुला भी बहुत ज़रूरी है, मेजरमेंट कप्स, स्पून्स और ये चीज़ें भी बेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर आपको बेकिंग का शौक़ है ना, कोशिश करें कि ये चीज़ें आप ज़रूर ही ले लें, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद रहेंगी आपकी कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए, तो ज़रूर आप इन चीज़ों को परचेस कर लें। और अंडा मैं बस एक एक करके डालती जा रही हूँ, और इसमें इतना वो नहीं है, अगर आप हाथ से भी विस्क से भी करेंगे ना, जो हाथ वाली फेंटने वाला होता है, अंडा फेंटने वाला जो होता है, उससे भी बहुत इजीली हो जाएगा। मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ एक एक चीज़, ताकि बहुत ज़्यादा केक की रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास और कब से आ रही थी। तो स्पंज केक भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं डलता मोस्टली, किसी में डलता है किसी में नहीं डलता, तो अगर आप कॉन्शियस हैं कि ऑयल नहीं खाना तो वो भी मैं शेयर करूँगी इसके बाद, कोशिश करूँगी वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। केक्स मेरी पूरी कोशिश होगी बहुत ही इजी और सिंपल वे में, और एक एक टिप और ट्रिक के साथ मैं आपके साथ शेयर करूं। और आप ये देख सकते हैं कितना मज़े का ये जो है क्रीमी सा बनता जा रहा है, टेक्सचर इसका होता जा रहा है, और ये मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैदा और बेकिंग पाउडर जो मैंने मिक्स किया था उसको कोशिश करें 2 से 3 बार लाजमी उसको छान लें,
एक तो गुठलियाँ तो हम, ये तो कॉमन बात है, कोई गंध हो गुठलियाँ कुछ हो निकल जाए। एक और चीज़ ये होती है कि जब आप इसको छान लेते हो ना, आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है और जो एयर होती है, कुछ भी ऐसा होता है ना, वो निकल जाता है इसमें से। तो छानना बहुत ही ज़रूरी है मैदे को और बेकिंग पाउडर को। कोशिश करें कि ज़रूर ही 2 से 3 बार इसको छान लें। और छानने के बाद इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ना डालती जा रही हूँ और बीट करती जा रही हूँ, तो आप देखें कि अच्छी तरह से ये बीट हो गया। और हाँ, इस स्टेज पे आपने फिर बीटर बहुत ही स्लो चलाना है, बहुत ज़्यादा केयर करनी है आपने बिल्कुल। ये हाथ से ही आप मिक्स कर लें, बीटर चलाएं नहीं, हाथ से ही आप इसको फोल्ड कर लें। अब मैं आपको ये बताऊँ कि जो बेकरीज में डलता है वो डलता है लेमन जूस या फिर लेमन एसेंस वनीला एसेंस के साथ, क्योंकि जो लेमन है ना, जो आपको खुशबू आती है, आप देखेंगे घर में मोस्टली जो केक बनाते हैं उसमें वनीला एसेंस डालते हैं, लेकिन उसमें वो खुशबू और टेस्ट आपको नहीं आ रहा होता जो आप बेकरी में खाते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा जो है ना लेमन जूस या फिर लेमन एसेंस डालते हैं। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके डाल रही हूँ। लेमन जूस आप लेंगे तो 5 ml आप लेंगे, 5 ml जो होता है वो लेंगे, और वनीला एसेंस जो है वो आप 1/2 teaspoon लेंगे। और एग्ज़ मैंने आपको बता दूंगी रेसिपी डिटेल में, एग्ज़ मैंने 3 लिए हैं इसमें, आप देख लीजिएगा हर चीज़ के बारे में मैं आपको बता दूंगी। और उसके बाद इसको भी आप हाथ से फोल्ड कर लें। मैंने बहुत ही लाइट सा बीटर चलाया, बहुत हल्के हाथ से, देखें आप मैं चला रही हूँ फिर बंद कर रही हूँ, चला रही हूँ बंद कर रही हूँ, ताकि इस स्टेज पे ना आपने केक को बैठने बिल्कुल नहीं देना, मतलब ये जो फ्लफ़ीनेस है ना इसको आपने बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज़ फिर जब आप बेक करोगे तो आपका केक ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल ही बैठा बैठा होगा या उभरेगा नहीं या इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब कलर मैं डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बेकरी के केक में कलर होता है, अच्छा लगता है, अदरवाइज़ केक बहुत वाइट वाइट लगता है। और अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, आप मत डालें तब भी अच्छा बनेगा। हाथ से मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ, ताकि थोड़ा बहुत जो कलर मैंने डाला है या जो एंड में मैंने जितनी चीज़ें डाली हैं तो वो सारी इसमें है मिक्स हो जाए। और आप देखें इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। ये स्पंज केक नहीं है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, टी केक है। स्पंज केक की इंशाल्लाह इसके बाद मैं शेयर करूँगी, उसका तरीका डिफरेंट होता है। और ये जो ब्रेड वाला सांचा होता है ना, ये वाला मैं ले रही हूँ, टी केक्स में यही यूज़ होता है, ब्रेड्स में भी यही यूज़ होता है। और बटर पेपर मैं लगा रही हूँ, बटर पेपर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें और उस पर मैदा डाल के और थोड़ा सा उसको आप हिला लें पैन में, तो वो भी आपका केक नहीं चिपकेगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं बटर पेपर यूज़ करती हूँ मोस्टली, तो बटर पेपर इजी रह जाता है, आराम से निकल आता है केक। तो आप देखिए मैंने पहले काट लिया था बटर पेपर को, उसके बाद मैंने बहुत लाइट सा ऑयल लगा के ब्रश से उसको मैंने फैला लिया, और उसके बाद ये बटर पेपर लगा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं जो है ऑयल उसको मैं इस पर अच्छी तरह से फैला लूँगी। और ये देखें आप, और वही मैंने ऑयल डाला, कोई ज़्यादा नहीं डाला मैंने, 1 tablespoon होगा या शायद उससे भी कम होगा। तो उसी ब्रश को मैं यूज़ कर रही हूँ साइड्स पे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर ये होता है कि केक आपका जो है वो सही निकलता नहीं है जब आप बन जाता है और निकालते हो। और ये देखें टेक्सचर जी, मैं इसलिए आपको कोशिश करूँगी मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना बनाऊँ, क्योंकि बेकिंग के बारे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दो बार अगर ख़राब होगा तो आप अपनी मिस्टेक से खुद ही सीख जाओगे, क्योंकि बहुत से लोग बेकिंग करते हुए डरते हैं। या तो आप बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी फॉलो कर लो, या अगर आप कोई ऐसा तजर्बा करना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, आप एक आध बार अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो उसके बाद आपको अपनी मिस्टेक्स खुद ही समझ आ जाती हैं। ओवन को मैंने 15-20 मिनट्स पहले ही प्रीहीट कर लिया था 180 degree पे, और ताकि जब तक मेरा ये केक सब कुछ मिक्सचर रेडी होगा तो मेरा ओवन गर्म हो चुका होगा। और ये बस मेरा हो गया, इसमें डल गया। अब टैप हम ज़रूर करते हैं इस तरह से, ताकि जितने भी इसमें बबल्स आते हैं, एयर आती है, वो सब की सब निकल जाए। और ये बहुत ज़रूरी है, ये भी अगेन इसको अच्छी तरह पटकें आप इस पे स्लैब पे, ताकि ये जो है ना वो हो जाए, सही हो जाए। और आप ये देखें कि मैंने कितना फिल किया है, मैं आपको इसलिए, ये छोटा वाला जो मेरा सांचा है ना उससे ज़रा बड़ा वाला है, मीडियम साइज़ के में डाला है मैंने, और हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ़ ही होगा, हाँ हाफ मैंने डाला है। अच्छा, ये तरीका मैं ज़रूर करती हूँ कि मैं स्पैचुला ले के या कोई चम्मच ले लें, कांटा ले लें, ड्राई मैदे में डाल के और ऊपर एक लाइन लगा दें, इससे आपकी जो केक है ना उसकी शेप बहुत अच्छी रहती है। अब मैं ट्रे में पानी डाल के और इसको मैं रखूँगी ओवन में। पानी मैंने क्यों डाला है ये भी मैं ट्रिक बता दूँ, क्योंकि मेरा जो ओवन है ना वो काफ़ी पुराना है, मेरे स्कूल कॉलेज के दौर का है, और जो ये पानी मैं डालती हूँ ना इससे जो ओवन है उसमें मॉइस्चर रहता है, पानी से जो भाप उठती है ना उससे केक में मॉइस्चर रहता है,
और हर एक का जो नए ओवन्स हैं उनमें फ़ैन लगा होता है, मेरे ओवन में थोड़ा सा पुराना है तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चलती हूँ। अगर आपका ओवन न्यू है, बेकिंग ओवन न्यू है, टोस्टर ओवन जो होता है, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। और आप ये देख सकते हैं तकरीबन ओवन और केक साइज़ पर डिपेंड करता है, 30 मिनट्स के बाद आप इसको चेक करेंगे, इसमें कोई भी टूथपिक डाल के कुछ भी डाल के 30 मिनट अगर बेक नहीं होता तो 5 मिनट और रख लें। तो मैं इसलिए कह रही हूँ केक किस साइज़ पर डिपेंड करता है, छोटा केक जल्दी बेक हो जाता है, पैन पे भी डिपेंड करता है आपका पैन कैसे है। मेरा पैन जो है आप देख सकते हैं थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा था, क्योंकि मैंने छोटे वाले पैन में नहीं डाला था, मीडियम साइज़ में डाला था, तो तकरीबन मेरा 35 से 38 मिनट में रेडी हो गया। मैं अपने पैन के मुताबिक बता रही हूँ। तो हर एक ओवन का टेम्परेचर जो है ना वो, या टाइमिंग्स थोड़ी सी चेंज होती हैं। अगर आपका न्यू ओवन है तो उसमें फ़ैन भी लगा हुआ है, तो फिर आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको सिर्फ एक ट्रिक बता रही हूँ कि इससे केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। अच्छा, केक निकालने के बाद जो बेकरी वाले हैं ना वो इस पे शुगर सिरप लगाते हैं, मैं नहीं लगा रही क्योंकि मेरा केक एक दिन भी नहीं चलता। तो इस स्टेज पे जैसे ही गरम गरम केक निकालते हैं ना तो फ़ौरन ही शुगर सिरप लगा लेते हैं, जो शाइन आती है आपको और सॉफ्ट लगता है। और आप ये देखें कि मैं कट कर रही हूँ, ये केक थोड़ा सा गर्म है तो गर्म आप कभी मत काटिएगा। मैंने एक्चुअली आपको दिखाना था और अम्मी के घर भी भेजना है, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी काट लिया। कोशिश करें थोड़ा सा केक ठंडा हो जाए फिर उसको काटें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मज़े का सॉफ्ट बेक हुआ है और कितना परफेक्ट बेक हुआ है। ये फूला भी बिल्कुल ठीक है, जो मैंने लाइन लगाई थी आप देखें वहाँ से भी बिल्कुल ठीक है। और अब आप ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस देखें और आप इसका टेक्स्चर देखें कितना अच्छा आया। तो छोटी छोटी मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। ये जा रहा है जी अम्मी के घर हाफ़ केक, और हाफ़ केक मैं और मेरे हस्बैंड जो है एक दो पीस अभी चाय के साथ इंजॉय करेंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।